हिमाचल पुलिस ने प्रदेश में ई चलान प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही पुलिस ऐसे उल्लंघनकर्ताओं का भी पता लगा पाएगी जो बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघनकर्ताओं की पहचान होने पर उनसे ज्यादा जुर्माना प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही उनके लाइसेंस को भी रद्द करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकेगा। ये बात DGP RS मर्डी ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हिमाचल पुलिस ने प्रदेश में ई चलान प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही पुलिस ऐसे उल्लंघनकर्ताओं का भी पता लगा पाएगी जो कि बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये बात DGP RS मर्डी ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस अवसर पर DGP ने कहा कि हिमाचल पुलिस ने ग्रेजुएट कांस्टेबलों को जहां कई शक्तियां प्रदान की हैं, वहीं अब वे 3 की सजा के प्रावधान वाले मामलों की तफ्तीश भी कर सकेंगे। DGP ने कहा कि आपराधिक मामलों का निपटारा करने में हिमाचल पुलिस पंजाब, हरियाणा और झारखंड राज्यों के साथ सर्वोच्च 3 राज्यों में शामिल है। आपराधिक मामलों को इन्वेस्टिगेट करने में हिमाचल देश में नंबर 1 पर है। जनता को पुलिस पर कितना भरोसा है, इस दिशा में हिमाचल पुलिस 4थे नंबर पर है। जनता पुलिस की कार्यप्रणाली से कितनी संतुष्ट होती है, इस मामले में प्रदेश पुलिस का दूसरा पायदान है। इस दौरान उनके साथ ADGP अशोक तिवारी, IG अतुल फुलझेले, DGP संतोष पटियाल, SP विजिलेंस कांगड़ा अरुण कुमार, जिला चंबा व ऊना के पुलिस अधीक्षकों के अलावा पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। और हमारा जो प्रायोरिटी एरिया है ड्रग मैनेज और एक्सीडेंट्स और जो विमेन सेफ्टी है, इसके बारे में भी रिव्यू किया है। और जनरल क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संतोषजनक रहा है। और पिछले साल के मुताबिक जो मर्डर होगा, रेप है या अटेम्प्ट टू मर्डर है या मोलेस्टेशन केसेस है और थेफ्ट केसेस है, बर्गलरी केसेस है, इनमें सब में कमी आई है। एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो अंडर कंट्रोल। और अभी हमने ये जो ई चलानिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज किए हैं और इसमें जो चलान होते हैं उसका डाटाबेस बनता है और जो भी दोबारा जुल्म करता है तो उसको पनिशमेंट ज़्यादा मिलता है, तो मैं और इसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये पूरे प्रदेश में लागू होगा तो एक्सीडेंट्स में भी कमी आ सकती है, लोगों में एक डर पैदा होता है। और इसी तरह जो है हमने ग्रेजुएट कांस्टेबल्स को मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चलान करने का और जो तफ्तीश करने का और जुल्म है जिनका सजा 3 साल से कम है उसमें ग्रेजुएट कांस्टेबल तफ्तीश कर सकते हैं, इसका क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि इनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग के बाद इनसे काम करवाया जा रहा है। और कोई कांस्टेबल ग्रेजुएट है तो वो मोटर व्हीकल एक्ट का चलान भी करेगा और तफ्तीश भी कर सकता है और अपना रैंक अगर B1 टेस्ट के थ्रू आएगा तो DSP एडिशनल SP तक बन सकता है। अगर B1 टेस्ट के थ्रू नहीं आएगा तो एटलीस्ट ऑनररी ASI रैंक 6-7 साल जो है रिटायरमेंट के पहले ASI का बैच पहनेगा तो उसका एक सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मोरल उसका बूस्ट रहेगा। तो ये भी हमने इसका भी थोड़ा परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, इस पर देखा और बाकी जो इनडिसिप्लिन मैटर्स है उसका भी रिव्यू करते हैं। और हमारा कुछ हेल्पलाइंस है जैसे गुड़िया हेल्पलाइन है और ERSS जो 112 नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है 9459100, इसमें कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए, SMS आए, क्या कार्रवाई हुई और लेट क्यों हुई। और इसमें हमारा जो कंज्यूमर्स है, इनका जो लोग है, इनका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, वो क्या खुश है नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है हर मंडे भी रिव्यू करते हैं, इस मीटिंग में भी रिव्यू करते हैं। और इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक सर्वे हुई थी हाल ही में CSDS जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, उनका सर्वे के मुताबिक हिमाचल पुलिस सारे पैरामीटर्स में टॉप में है और कई पैरामीटर्स में नंबर 1 भी है। और जो ऑफिसर्स के प्रति विश्वसनीयता और पुलिस के प्रति विश्वसनीयता, इस पर हम काफ़ी ऊंचे हैं, टॉप में हैं। और ये बड़ा खुशी की बात है क्योंकि ये कोई हमने नहीं कहा है कि इस तरह का सर्वे करा, सर्वे पूरा देश वर्ष में किया है, पूरा देश में किया और इसमें हमारा परफॉर्मेंस बेहतर पाया गया, ये खुशी की बात है। इसके अलावा हमारा जो है ERSS भी हमने पूरे देश में सबसे पहले किया और
एक और कह सकता हूँ कि सेंट्रल पुलिस कैंटीन हमने शुरू किया, अभी 16 कैंटीन है, अब 19 कैंटीन हो जाएंगे, 3 और खोलना। अभी ऑलरेडी 3.5 करोड़ का हमारा सेल हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें अबाउट 20 करोड़ का सेल होगा, 4 से 5 करोड़ का फायदा होगा और 50,000 पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स और रिटायर्ड के फैमिलीज को इसका फायदा मिलेगा।